आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बथुए की दाल कैसे बनाई जाती है। तो मैंने ये कुछ दाल की मिक्स कर ली है, इसमें चने की दाल, अरहर की दाल और मसूर, लाल वाली मसूर की दाल है, ये लाल वाली मसूर की दाल है। चलो मैं आपको बथुए की दाल बताती हूँ कैसे बनती है। लेट्स गो स्टार्ट। ये बथुआ है, मैंने इसे काट के उबाल दिया है, इसे 5 मिनट तक मैं इसे उबालूंगी। तो चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। ये हमारा बथुआ उबल चुका है, अब मैं इसका पेस्ट बनाने जा रही हूँ। वेट, मैं इस बथुए को सिलबट्टे पे पीसने जा रही हूँ। अगर आपके पास मिक्सी हो तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं इसको। तो मैं इसे पेस्ट बना लेती हूँ। इसे मैंने इस बथुए का देखो पेस्ट बना लिया है, बहुत ही अच्छा पेस्ट है। इसको बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, नॉर्मली मोटा, हल्का मोटा पेस्ट बनाना है इसका। अब मैं इसे कुकर में रखने जा रही हूँ। ये हमारी दाल है, मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। मैंने कुकर में आवश्यकता अनुसार पानी लिया है और दाल को डाल दिया है, और मैं ये पालक, पिसा हुआ पालक डाल रही हूँ इसके अंदर। एंड मैं टमाटर डाल रही हूँ इसके अंदर, साबुत टमाटर डालना है इसमें। दाल में स्वाद अनुसार हल्दी, एक मिनट वेट, स्वाद अनुसार हल्दी गई दाल में, ये स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एंड स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार डालेंगे। हमारी दाल रेडी हो गई है, इसको हम पकाएंगे। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, फ्लेम ऑन। अब इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे, 10 से 12-15 तक।